ओ हीरो व्यूअर्स आ गए ओ सब लोग आ गए हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ स्काई नेक्स्ट मंथ ओ वेट स्काई दिस मंथ सो गाइस इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस मंथ स्काई में क्या क्या है कौन से कॉन्स्टेलेशंस हैं कौन से कंजंक्शंस हैं सो लेट्स स्टार्ट करते हैं या ये मंथ काफी इंटरेस्टिंग मंथ है अगर आप प्लैनेट्स को देखना पसंद करते हैं प्लैनेट्स मैं काफी महीनों से वेट कर रहा हूं प्लैनेट्स यस तो दिस ये पूरा मंथ प्लैनेट्स को डेडिकेटेड है काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसके वजह से आप प्लैनेट्स को इजीली ढूंढ सकते हो जिसको अभी सब लोग पता ही नहीं है कैसे ढूंढना है तो उसके लिए ये मंथ में मून काफ़ी अच्छा मार्कर होने वाला है क्योंकि काफ़ी प्लैनेट्स के वो बाजू में आने वाला है तो हम आपको डेट्स बताएंगे वीडियो में तो वो उस डेट को अगर आप देखेंगे तो वो मून के बाजू में वो प्लैनेट होगा ऐसे आप ढूंढ सकते हो बिना कोई नॉलेज के हाँ कॉन्स्टेलेशन का ऐसा है कि अभी जो फेमस ओरायन कॉन्स्टेलेशन है तो वो तो बेचारा अभी वेस्ट की तरफ है तो अभी जैसे ही रात हो जाती है 8 o'clock तो अभी वेस्ट की तरफ आपको ओरायन कॉन्स्टेलेशन दिखेगा इट्स ऑलमोस्ट चला जा चुका है बस उसका टाइम अभी जा रहा है लेकिन दूसरे कॉन्स्टेलेशन आते हैं क्योंकि स्काई इज कंटिन्यूस इनफाइनाइट नए नए चीज़ें आती ही रहती हैं इट्स लाइक रील जो प्ले होती ही जा रही है तो अभी प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन होगा लियो कॉन्स्टेलेशन यानी सिंह राशि अगर आप रात को 8 या 9 बजे अगर देखें तो बिल्कुल आपके सर के ऊपर दिखेगा तो उसका फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऐसी होती है सिंह राशि इसका सबसे ब्राइट स्टार है रेगुलस ओके और इसे हिंदी में कहते हैं मगा एंड लियो इज फिल्ड विद गैलेक्सीज हाँ लियो बहुत ही गैलेक्सी से भरा हुआ कॉन्स्टेलेशन है उसमें फेमस ट्रिपलेट गैलेक्सीज है जो 3 गैलेक्सी एक साथ है अगर आपके पास एक छोटा सा टेलीस्कोप हो तो आप उसको इजीली एक फील्ड व्यू में 3 गैलेक्सीज देख सकते हो काफ़ी अच्छा वंडरफुल ऑब्जेक्ट है वो तो लियो कॉन्स्टेलेशन देखने लायक है और दूसरा है बिग डिपर उसको हिंदी में कहते हैं सप्तऋषि जो एक स्पून जैसा दिखता है हाँ जो एक स्पून जैसा दिखता है एक प्लॉ जैसा दिखता है तो सप्तऋषि इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 7 स्टार्स हैं जिसे हम ऋषियों से रिलेट करते हैं इसीलिए सप्तऋषि तो ये कॉन्स्टेलेशन भी आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो ये इजीली नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशन है अगर आप लियो ढूंढ पा रहे हैं तो बराबर लियो के नॉर्दर्न साइड में आपको ये कॉन्स्टेलेशन दिखेगा विद 7 स्टार वेरी इजी टू आइडेंटिफाई नाइस सो गाइस ये मंथ है पूरा कंजंक्शंस के बारे में एंड मून इसमें काफ़ी सही बेस बना हुआ है सो नेटिक पहले बताते हैं ऑडियंस को कि कंजंक्शंस होते क्या है ओके कंजंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं एस्ट्रोनॉमी में जब टू स्काई के ऑब्जेक्ट्स या प्लैनेट्स हो मून हो कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट स्काई के जो काफ़ी करीब एक दूसरे के जब आ जाए तो हम उस इवेंट को कंजंक्शन इवेंट बताते हैं सो गाइज हाँ सबसे पहला कंजंक्शन है 9 मार्च को वीनस एंड यूरेनस का जैसे ही सनसेट होगा उसी लोकेशन वेस्ट में हमें देखेगा सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो देखेगा वो है एक्चुअली स्टार नहीं वो वीनस है एंड उसके जस्ट 2 डिग्रीज दूर हमें देखेगा हमारा 7th planet विच इज़ यूरेनस वीनस तो हमें नेकेड आई से दिख जाएगा लेकिन यूरेनस के लिए हमें लगेगा शायद कोई बायनोकुलर्स या फिर अगर आपके पास कोई टेलीस्कोप है तो ये हमारा सबसे पहला कंजंक्शन हो गया एंड इसी 9th मार्च को ही हमारा फुल मून डे भी है एंड उसके बाद क्या है नैतिक 18 को काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट है जिसमें आपको मून मार्स और जुपिटर दोनों प्लैनेट और एक मून आपको सुबह सुबह दिखेंगे लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा सनराइज के पहले सुबह समझो 5 बजे अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में देखते हैं तो आपको जुपिटर दिखेगा और उसके बगल में दिखेगा रेड कलर का मार्स और इन दोनों को ढूंढने के लिए आपको एक मार्कर दिया है जो है मून जो बहुत ही ईजी है रिकग्नाइज मतलब पहचानने के लिए तो मून के बगल में जुपिटर और जुपिटर के बगल में मार्स ऐसे तीनों कॉम्बिनेशन दिखेंगे और थोड़ा दूर और देखें तो सैटर्न भी ज़रूर दिखेगा मतलब ये तीनों के साथ चौथा फ्री है सैटर्न और उसके जस्ट नेक्स्ट डे 19 मार्च को मून के जस्ट 2 डिग्रीज पास सनराइज सेम टाइमिंग पे आपको देखेगा सैटर्न सो वो भी काफ़ी ग्रेट है दोनों दिन काफ़ी एक्साइटिंग है मैं तो कहूँगा सुबह उतना अगर ना हो तो रात को सोना ही मत क्योंकि मैं वही करने वाला हूँ और 28 मार्च को है मार्च इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स यानी उस दिन पूरे अर्थ पे डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो इक्वल होगी यानी इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स अब इस दिन के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में दिन की ड्यूरेशन कम होती जाएगी तो लाइक समर्स आर कमिंग
Yeah, summers are coming in the northern hemisphere and winters are coming in the southern hemisphere. So March 23rd is a perfect day, yani day or night dono equal hai, dono hemispheres. Nice. Aur usi din wapas subah aapko uthana padega. Subah sunrise ke pehle 5 baje east direction mein dekho to Jupiter aur Mars wapas dikhenge lekin aur bhi close dikhenge. Aur bhi close. मार्स पहचानना तो बहुत ही इजी है, रेडिश कलर का, ईस्ट में आपको दिखेगा वो मार्स ही है और उसके बगल में एक ब्राइट सा ऑब्जेक्ट है और वो है जुपिटर. तो अगर आपके पास एक छोटा सा टेलीस्कोप है या बायनोकुलर्स है और जुपिटर की तरफ देखें आप तो जुपिटर के 4 मून्स भी आपको दिख पाएंगे. तो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है जुपिटर को देखना. जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैं भी एकदम पागल हो गया था देख के. तो अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो जुपिटर को ज़रूर टेलीस्कोप से देखें या फिर आप ऑब्जर्वेटरी आ सकते हैं. या ऑब्जर्वेटरी तो आपके लिए हमेशा खुली है तो प्लीज़ आ जाइए वहाँ पे. एंड गाइस 22 मार्च को मून और मर्कुरी काफ़ी ज़्यादा पास देखेंगे, सिर्फ 4 डिग्रीज दूर, वो भी सनराइज़ पे. हाँ, सनराइज़ के पहले ही. मर्क्यूरी ढूंढना वैसे तो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत ही सन के आजू बाजू ही रहता है, लेकिन इस बार आपके लिए एक मार्कर दिया है मून. यानी मून ये बार सब प्लैनेट्स को विजिट कर रहा है, सबके घर जा रहा है. तो आपको प्लैनेट्स ढूंढना बहुत आसान है इस मंथ में. तो उस दिन मर्क्यूरी डाइकोटॉमी पे है. डाइकोटॉमी यानी हाफ फेस. यानी जब आप देखते हैं कभी कभी हमें मून भी हाफ दिखता है, तो वैसे ही मर्क्यूरी भी उस दिन अगर आप टेलीस्कोप से देख पाएं तो मर्क्यूरी आपको हाफ दिखेगा, पूरा सर्कल नहीं दिखेगा. और उसको बोलते हैं मर्क्यूरी एट डाइकोटॉमी. एंड गाइस उसके बाद 23rd को मार्स एंड प्लूटो कंजंक्शन है. हाँ, अभी प्लूटो वैसे तो ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, काफ़ी डिम है. तो इस बार मार्स उसके काफ़ी करीब है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि आप उसको बायनोकुलर से देख पाओ या टेलीस्कोप से देख पाओ, बहुत ही डिफ़िकल्ट है. लेकिन अगर आप प्रॉपर स्काई मैप फॉलो करो या तो जो हमने आपको ऐप्स रिकमेंड किए थे वो अगर आप ध्यान से स्टडी करो और एक अच्छा सा टेलीस्कोप से अगर आप देखो तो आप ज़रूर उस दिन प्लूटो ढूंढ पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपके पास मार्कर है मार्स का. वाओ, दैट्स ग्रेट. सो गाइस उसके बाद 24th को है न्यू मून डे. मावच की रात. दिस इज माय फेवरेट डे ऑफ द मंथ बिकॉज इसमें मून नहीं होता है एंड स्काई काफ़ी डार्क दिखता है, काफ़ी सारे स्टार्स दिखते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मैं स्टार ट्रेल्स यूजली न्यू मून डे पे लेता हूँ. एंड उसके बाद 27th को गाइस वीनस डाइकोटॉमी है, जिसमें क्या होता है कि वीनस के फेजेस दिखेंगे आपको, ऐसे मून के फेजेस दिखते हैं तो वीनस हाफ दिखेगा आपको ऑलमोस्ट. सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग डे है. और उसके जस्ट नेक्स्ट डे 28th को मून और वीनस काफ़ी ज़्यादा पास होंगे तो उनका कंजंक्शन है. एंड फिर उसके बाद सो 31st मार्च, लास्ट ऑफ द मंथ, बट नेवरदलेस इस दिन भी काफ़ी अच्छा इवेंट है. लेकिन फिर सुबह उठना पड़ेगा सनराइज के पहले 5 बजे ईस्ट डिरेक्शन. मार्स और सैटर्न बहुत आजू बाजू में होंगे. रेड कलर का मार्स और उसके बाद में छोटा सा येलोइश डॉट और वो है सैटर्न, जो कि बहुत बड़ा प्लैनेट है लेकिन हमारे यहाँ से बहुत थोड़ा डिम दिखता है. तो अगर टेलीस्कोप से देखेंगे तो उसकी रिंग्स आपको बहुत ही इजीली दिख सकती हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल होती है जो कि. यस, तो ये हो गया स्काई मार्च मंथ का, जो काफ़ी एक्साइटिंग है. प्लानिटरी इतने सारे प्लानिटरी पोजिशंस हैं मून के साथ, तो एन्जॉय कीजिए प्लानिट्स को. सो गाइज, ये वीडियोस हम सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट वगैरह चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में करिए कि हमारे बात करने के तरीके में या एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं हम लोग, उसमें कुछ भी आपको लगता है तो कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, सब कुछ, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे अवेलेबल हैं. एंड और अभी कभी आप ये वीडियोस देखें, कभी आप स्काई के नीचे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत हमें फ़ोन लगाए, क्योंकि अगर आप स्काई देख रहे हैं तो हम तो स्काई के नीचे ही होंगे. सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि हम करीब 1 महीना हो गया ये सब वीडियोज़ डालते हैं, हम काफ़ी रेगुलर हैं जो हमें लग रहा है एंड कोशिश काफ़ी कर रहे हैं. तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी स्काई देख पाएँ. एंड क्लियर स्काइज.